शहर में मनचले नौजवानों की सरगर्मियाँ जागने की रातों में चिल्लरपन से ही मुसलमानों का नाम हो रहा है बदनाम और ऐसे नौजवानों की वजह से ही ऐसे मौक़ों पर शहर के तमाम फ्लाई ओवरस को बंद कर दिया जा रहा है हालांकि जागने की रातों का अहतमाम सिर्फ़ और सिर्फ इबादतों के लिए ही किया जाता है मगर ऐसे कुछ मंचले नौजवानों की तरफ से शहर का माहौल ख़राब होता जा रहा है और फिर इस तरह के स्टंट्स व व्हीलिंग करने की वजह से सड़कों पर से जाने वाले लोगों को भी तकालीफ पेश आती है इसके अलावा तो किता मैं किता बोलकर झगड़े भी पेश आया करते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाता है इन सब के अलावा अगर जरा सी भी भूल चूक हो गई तो समझो वक्त से पहले ये मंचले पूरे को ही आज़ाद हो जाते हैं और फिर घर वाले रोते पलाते भी खामोश बैठ जाते हैं अगर घर वाले ये दिन देखना नहीं चाहते तो फिर सबसे पहले अपने बिगड़े हुए बच्चों पर ही काबू पाना होगा और फिर इन पर सख्ती भी बरतना होगा क्योंकि इन मंचले नौजवानों की वजह से ही कुछ साल पहले जॉइंट स्टेट आंध्र प्रदेश के वक्त शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ए के मोहंती रिटायर्ड आईपीएस के पीरियड में उस वक्त से ही तमाम फ्लाईओवर्स को बंद कर दिया जाता है क्योंकि उस वक्त नेकलैस रोड पर एन गार्डन के पास ऐसे ही कुछ मंचले नौजवानों के एक ग्रुप ने सड़कों पर स्टंट्स करने के अलावा व्हीलिंग वगैरह करके धूम मचा दिया था और फिर मुसलमानों के माथे पर धब्बा भी लगा दिया जिसका सिलसिला आज तक भी चलता हुआ आ रहा है इसीलिए सिटी पुलिस को चाहिए कि बेखसूर और मासूम लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय ऐसे नौजवानों के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई करके इनकी खबरों को मीडिया में शो करें जो दूसरों के लिए भी एक मैसेज बन जाएगा जिस पर आप सबकी क्या एडवाइस है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना